नए वित्तीय वर्ष से विदिशा जिले की सभी 74 शराब दुकानों का ठेका श्री स्वास्तिक सिद्धि को मिला था। तब से ही जिले की लगभग सभी दुकानों पर एमआरपी से ज्यादा की कीमत पर शराब बेची जा रही थी। लगातार शिकायतें सामने आ रही थी। इसके अलावा रेट लिस्ट ना लगे होने के साथ साथ कई अन्य शिकायतें भी थी, जिसे देखते हुए कलेक्टर ने 3 विभागीयों की टीम बनाकर संयुक्त कार्यवाही और जाँच की गई थी। उसी में विदिशा की पीतल मिल दुकान, जो चुंगी नाके पर स्थित है, और शमशाबाद की शराब दुकान क्रमांक 1 पर इन समस्याओं और शिकायतों को सही पाया गया। दोनों दुकान संचालकों को नोटिस जारी किए गए, लेकिन ठेकेदार की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसके चलते कलेक्टर ने इन दोनों दुकानों को 10,000 रुपए के जुर्माने भरने के निर्देश दिया है। साथ ही साथ आज 21 जून को दिन भर इन दोनों दुकानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जिसके चलते पूरे दिन ये दुकान नहीं खुल सकेंगी। इस वित्तीय वर्ष के स्टार्ट से ही इस लाइसेंसी के विरुद्ध अनेक शिकायत प्राप्त हो रही थी। जैसे मुख्यतः शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि रेट लिस्ट का ना लगा होना, उसमें हमने व्यापक कार्रवाई की है। सेकंड कंप्लेन प्राप्त हो रही थी कि एमआरपी से, मतलब अधिकतम जो खुदरा मूल्य है, उससे अधिक के विक्रय किया जाना, उस पर अधिक विक्रय किया जाना, वो एक गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है। उस पर हम लोग को विशेष रूप से कार्रवाई की थी, हमने स्टाफ के साथ मिलकर के और कलेक्टर महोदय के निर्देश में शासन विभाग, पुलिस विभाग और आबकारी विभाग ने सम्मिलित रूप से भी कार्रवाई की, जिसके चलते अभी दो दुकानों पर अनियमितता इस प्रकार की पाई गई। पहली दुकान आपकी पीतल मिल सिटी की और एक शमशाबाद क्रमांक की, दोनों में सेम अनियमितता पाई जाने से, एमआरपी से अधिक विक्रय पाए जाने से, उनको दोनों के लाइसेंस 1 दिन के निलंबित किए गए एवं 10,000 की पेनल्टी इम्पोज की गई। आगे भी यदि लाइसेंसी नहीं सुधरते हैं और इसी टाइप से काम करते हैं तो कार्रवाई को कंटिन्यू किया। ये श्री स्वास्तिक विधि ट्रेडर्स के नाम से है कंपनी, तो उसमें ऐसा जो लोग उसमें इन्वॉल्व है उनके विरुद्ध ऐसा कोई संज्ञान नहीं होता, तो उसमें भी विधिवत।